गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में काफी यूनिक चीज मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये इतना बड़ा बॉक्स मेरे पास आ चुका है, इसके अंदर है एक UFO स्कूटर। ये कंप्लीटली पेट्रोल से चल सकता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंजन लगा है। देखो गाइस, ये चीज इतनी ज्यादा यूनिक है कि मेरे को नहीं लगता इंडिया में ये चीज पहले किसी ने भी अनबॉक्स की होगी। चलो गाइस, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी पैकिंग काफी ज्यादा मस्त है, मेरे को ये चीज बहुत दूर से आई यार, फिर भी देख सकते हो बहुत ही तगड़ी पैकिंग इसकी मेरे को लग रही है। यहां से मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये ऊपर जो कवर है इसको भी फटाफट से कट कर लेते हैं। देखते हैं गाइस आज कितना ज्यादा मजा आएगा हमारे UFO स्कूटर को चलाने में। बहुत ही तगड़ी पैकिंग है यार इसकी तो। ओके, ये खुल चुका है पूरी तरीके से। अंदर देखो एक और ब्राउन बॉक्स दिया गया है। अब ये ब्राउन बॉक्स को भी मैं ओपन कर लेने वाला हूँ। ओ माई गॉड, ये देखो यार कितनी ज्यादा बड़ी स्कूटर इसके अंदर मेरे को मिली है। मेरे को लगा था कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, पर भाई साहब इसके व्हील्स का साइज देखो और इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। तो इसको यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। बाप रे गाइस, ये बहुत ज्यादा वजनदार चीज मेरे को लग रही है। तो दोनों को मिलके शायद इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओ भाई, सामने की हैंडल इसकी अलग से फिट करनी पड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ रख लेता हूँ। वाह, क्या ही तगड़ी चीज है यार, पूरी मेटल की बनी हुई है। स्कूटर को तो मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है, पर इसको थोड़ा सा असेंबल करना पड़ेगा। देखो हैंडल यहाँ पे लग जाएगा और सीट यहाँ पे लग जाएगा, फिर हमारा स्कूटर एकदम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इसका इंजन दिया गया, यहाँ से हम लोग इसके अंदर पेट्रोल वगैरह डाल सकते हैं। पहले गाइस इसको असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद में सारी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। यहाँ पे इसको फिट करना काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पे इसका एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है, तो ये एक बार मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। अब देख लो गाइस, इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और फिर अंदर की तरफ एक नट दिया गया है, इसको कस दूंगा तो हैंडल यहाँ पे कम्प्लीटली जुड़ जाएगी। ये देख लो गाइस, ये बैठ चुका है। अब यहाँ ऊपर की तरफ एक नट है, तो इसको मैं कस दूंगा तो हैंडल पूरी तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो अब इसके सीट को फिक्स करते हैं। सीट भी हाइट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका एडजस्टर दिया गया है। सीट को भी लगाना काफी ज्यादा ईजी है मेरे लिए। ये देखो गाइस, बैठ चुकी है सीट हमारी। अब इसके टायरों के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो मेरे को अभी हवा भरनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए। ये मेरे पास एक डिजिटल मीटर है, यहाँ से इसको कनेक्ट करके मैं इसके अंदर हवा भर देता हूँ। इसको मैंने टाइट कर दिया है, अब इसके अंदर हवा भरते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा जो हमारा स्कूटर है रेडी हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में मैं इसको कम्प्लीटली आपको चला के बताने वाला हूँ। उससे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है और क्या क्या मेन फीचर्स है इसके, चलो मैं आपको बताने वाला हूँ। सामने और पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है। यहाँ पे इसका एक्सेलरेटर है, ये सामने का ब्रेक है और ये पीछे का ब्रेक है। यहाँ पे इंजन किल स्विच दिया गया है। यहाँ पे इसका 50cc का 4-स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पे हम लोगों को पेट्रोल डालना पड़ता है। यहाँ पे ऑयल सेपरेटली डालने के लिए देखो एक अलग सी चीज भी दी गई है, यहाँ से आपको 4-स्ट्रोक ऑयल इसके अंदर डालना पड़ता है। इंजन देखो यार सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दिया गया। यहाँ से इसका पुल स्टार्ट है, इसको खींच के स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है, साइड स्टैंड भी आपको देखने को मिलेगा। चैसिस देख लो गाइस, कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है। यहाँ पे इसका चेन है, ये पूरा कवर किया गया है प्लास्टिक से ताकि आपका पैर वगैरह इसके अंदर ना जा सके। यहाँ पे भी ये इसका फ्रेम है, कम्प्लीटली मेटल का ही बना हुआ है। यहाँ से आप हैंडल को एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप चाहे तो हैंडल को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। सामने की बात करूँ तो गाइस देखो यहाँ पे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक दिया गया है। ये टायर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है यार, एक बार इसका साइज देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। सामने की तरफ सस्पेंशन भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखो ब्रेडेड वायर दिया गया है, ये भी पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ। पीछे की तरफ मडगार्ड है, रिफ्लेक्टर भी दिया गया है, सामने की तरफ भी मडगार्ड है। आप चाहे तो सेपरेटली इसके ऊपर हेडलाइट वगैरह लगा सकते हो। चलो गाइस अब इसके अंदर डालते हैं पेट्रोल। यहाँ पे इसका पेट्रोल टैंक है, इसके अंदर तकरीबन मेरे को लग रहा है 2 लीटर तक पेट्रोल बहुत आराम से आ जाएगा क्योंकि इसका टैंक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है। अब इसके अंदर मैं पेट्रोल डालने वाला हूँ, मैंने पेट्रोल डाल दिया है इसके अंदर, टैंक पूरा फुल हो चुका है। अब इसको बंद कर देते हैं। चलो गाइस अभी इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे इसका पुल स्टार्ट है, देखते हैं गाइस कितनी जल्दी ये स्कूटर स्टार्ट होता है। ओ भाई देख रहे हो, 2 अटेम्प्ट में ये स्टार्ट हो चुका है। आवाज सुनो, बहुत ज्यादा स्मूथ है इसकी। इसके अंदर बिल्कुल
बिल्कुल एक बाइक जैसी आवाज आ रही है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो गाइस जिस तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह भी कर सकती है। ओ माय गॉड, सच में भाई मजा आ गया। यहाँ पे तो इसने ड्रिफ्ट करके बड़ा सा गड्ढा ही खोद के रख दिया। के अंदर पावर सच में काफी ज्यादा दी गई है। मेरे पास ये वाला इलेक्ट्रिक होवरबोर्ड भी है। अगर गाइस इसको मैं अपने स्कूटर के साइड में रख के आपको कंपेयर करके बताऊं तो देखो गाइस स्कूटर के मुकाबले में ये काफी ज्यादा छोटा है। इसको मैं यहाँ पे रख के लेके भी जा सकता हूँ। और बाकी इसके व्हील्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये एकदम हार्ड व्हील्स दिए गए। अगर आप इसको ऑफ रोड में चलाओगे ना तो आपका बैलेंस भी खराब हो सकता है। ये जो हमारा स्कूटर है इसके व्हील्स इसके मुकाबले में काफी बड़े भी है, काफी चौड़े भी है। ये मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल है, इसको मैंने 6000 रुपीस में खरीदा था। आज इन दोनों के बीच में रेस भी लगाएंगे गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यार सच बता रहा हूं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर है। अभी इलेक्ट्रिक साइकिल को आप बिल्कुल भी कम मत समझना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो भाई काफी खतरनाक सी चीज है ये। ये स्कूटर को पहले किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से चलाना है, सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ, आप चाहे तो इसके ऊपर यहाँ पे पैर रख के टायर के भी चला सकते हो। पहले मैं आपको बैठ के चला के बताने वाला हूँ। चलो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। काफी आराम से ये स्टार्ट हो चुकी है गाइस। थोड़ा सा हम इसको पुश देंगे फिर देखो हमारा स्कूटर इस तरीके से निकल पड़ेगा। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, ये देखो मैं चाहूँ तो इसके फुटबोर्ड पे टायर के भी इसको काफी आराम से काफी कंफर्टेबली चला रहा हूँ। ये बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होता यार, काफी तेज है भाई ये स्कूटर, सच बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, मेरे हिसाब से इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक बहुत आराम से जा रही है गाइस। हमारा स्कूटर बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चल रहा है। ब्रेक टेस्ट करते हैं गाइस कितना जल्दी हमारा स्कूटर रुकता है। अभी ठीक ठाक है यार, ब्रेक्स नॉट बैड मैं बोलूंगा। स्टेबिलिटी सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है यार इसकी। इसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, और देखो मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो मेरे को थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है। बाकी हाइट कम वालों के लिए भाई ये स्कूटर काफ़ी मस्त है भाई। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसकी टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा होगी। तो अब ये पेट्रोल स्कूटर की मैं रेस कराने वाला हूँ इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। चलो यार, साइकिल में इनिशियल पिकअप काफी ज्यादा है पर मैं इसको काफी आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। देखो गाइस अभी तो स्कूटर के अंदर मैंने जस्ट थोड़ा सा ही थर्टल दिया है, इतने में ही इसने साइकिल को बहुत इजीली ओवरटेक कर दिया है। साइकिल के अंदर इलेक्ट्रिक मोड के साथ साथ पैडल मोड भी होता है, दोनों को मिक्स करके यूज करेंगे तो इसकी टॉप स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अब मेरा भाई साइकिल लेके काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। अब देखो गाइस मैं इसको काफी आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फुल थर्टल दे दिया है हमारे स्कूटर के अंदर। मेरा भाई थोड़ा सा आगे है, ये लो गाइस मैंने इसको ओवरटेक कर दिया है। मेरे को लगा था कि दोनों की स्पीड उतनी होगी पर ये स्कूटर की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक जा रही थी बहुत ज्यादा आसानी से, और इसको संभालना भी बहुत ज्यादा इजी है दोस्तों। तो अब इलेक्ट्रिक होवरबोर्ड की रेस होने वाली है हमारे पेट्रोल स्कूटर के साथ। देखते हैं गाइस इसने जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल को हराया था इसको भी हरा पाएगा या फिर नहीं। ये होवरबोर्ड भी इलेक्ट्रिक होने के कारण नो डाउट इसके अंदर भी इनिशियल पिकअप काफी ज्यादा है, पर ये लो गाइस इसको भी मैंने काफी आराम से ओवरटेक कर दिया है। नो डाउट ये स्कूटर काफी ज्यादा मजबूत है और इसका इंजन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब एक काम करते हैं गाइस, मैं भी बैठूंगा, मेरा भाई भी यहाँ पे बैठेगा, फिर देखते हैं हमारा स्कूटर चलेगा या फिर नहीं। बहुत ही खतरनाक सा टेस्ट है ये। बॉक्स के ऊपर तो लिखा था कि ये 160 केजी तक का वेट को संभाल सकता है, तो अब चलाने वाला हूँ मैं। अरे यार ये तो चल रहा है भाई, देखो अभी मैंने इसके अंदर फुल थ्रॉटल भी नहीं दिया है, बहुत आराम से चल रहा है ये। मेरे को लग रहा है इसके ऊपर मैं एक और बंदे को भी बैठाऊ ना तब भी ये स्कूटर चलेगा बहुत ज्यादा आसानी से। ये देखो गाइस अब मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। ये लोग, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था गाइस ये ऑफ रोड में जरा से भी चलेगी क्योंकि इसके टायर थोड़े से छोटे हैं, पर देखो मैं इसको ऑफ रोड में भी काफी सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये देखो गाइस यार इसका सस्पेंशन भी काफी मस्त है भाई। इसको बंद करने के लिए ये स्विच दबाना पड़ता है। देखो हमारा स्कूटर अब ऑफ हो चुका है।
ये पेट्रोल स्कूटर को मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर तक टेस्ट किया है, तो इसके अंदर मेरे को कुछ अच्छी चीजें भी लगी, कुछ बेकार चीजें भी लगी। जैसे कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलाते हो तो इसके फुटबोर्ड के अंदर से वाइब्रेशन आने लगता है, ये एक बेकार चीज मेरे को इसके अंदर लगी। बाकी का यार इसके अंदर पेट्रोल तो खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने इसको भाई बहुत ज्यादा चला के देखा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो ये 100 गुना ज्यादा अच्छा मेरे को लगा। अब ये पेट्रोल वाले स्कूटर को आप किस तरीके से खरीद सकते हो, ये चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको मैंने theedgeauto.com से खरीदा था, ये रहा इसका वेबसाइट। अब ये वेबसाइट पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एटीवी भी आप खरीद सकते हो, साइकिल, डर्ट बाइक्स, होवरबोर्ड्स, मिनी बाइक्स। स्कूटर में चलते हैं, यहाँ पे हमारा स्कूटर दिखाई देगा। यहाँ पे देखो 3-4 तरीके के स्कूटर है, जैसे कि कोको बाइक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैंने जो खरीदा है उसका नाम है UFO01 पेट्रोल स्कूटर। इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ, इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 29,900 रुपीज है। आप इसको 2-3 तरीकों से खरीद सकते हो, टोकन अमाउंट पे करके भी खरीद सकते हो या फिर फुल पेमेंट करके भी खरीद सकते हो। पहले मैं आपको टोकन अमाउंट से किस तरीके से खरीदना है ये दिखा देता हूं। टोकन अमाउंट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहां पे आपको 2,990 रुपीस दिखाई देगा। टोकन अमाउंट से परचेस करने के बाद जब प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट कुरियर हब में पहुंचेगा, वहां पर आप प्रोडक्ट देखकर पूरा पेमेंट करके ये प्रोडक्ट ले भी सकते हो या फिर यहीं से ही डायरेक्ट फुल पेमेंट करके भी ले सकते हो। आपको फुल पेमेंट करने पे शायद क्रेडिट कार्ड में EMI का ऑप्शन भी दिख जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है सूरज, समर, आकाश, सुभान, मोहित, दानिश, अंश, साहिल, वेदांत, यशवंत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर जरूर से कर देना लाइक, नीचे कर देना कमेंट। बाय बाय दोस्तों।